नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर कैंट थाना अंतर्गत हाईवे लुटेरे पकड़े गए, 3 आरोपियों सहित मोटरसाइकिल 1500 रुपए नगद बरामद किया गया। दरअसल बीते दिनों हाईवे पर लगातार लूट की वारदात को अंजाम दे रहे शातिर चोरों को पुलिस ने आज धर दबोचा। लगातार शिकायत आने पर गढ़पहरा फोर लाइन पर लूट की लगातार वारदात बढ़ती जा रही थी, जिससे पुलिस अधीक्षक के निर्देश से एक विशेष टीम गठित की गई और मुखबिर की सूचना पर लाजपतपुरा वार्ड निवासी सचिन उर्फ शाहरुख खान जुबेर खान को गिरफ्तार किया। दोनों सगे भाई बताए जा रहे हैं, जबकि एक नाबालिग आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक पल्सर मोटरसाइकिल सहित 1500 रुपये जब्त किए गए हैं। पुलिस ने इनसे पूछताछ करके आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। टीम के मुख्य आरक्षक सुशील चौहान 265, अमित चौबे 846, हरी सिंह 389, योगेंद्र तिवारी केंट के आर, श्रीकांत चौबे शामिल रहे। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। हाँ, ये दिनांक 26/9/2020 की बात है। ये करीब पुलिस को शाम 4 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आदमी जो सीताराम सोनी है, वो भोपाल से मोटरसाइकिल से उमरिया जिला अपने गांव जा रहे थे। तो उनको बाईपास ब्रिज के ऊपर एक मोटरसाइकिल में 3 लोग पीछे से गए और उसमें से चाकू मार दिया और उनको करीब 4,500 रुपये निकाल लिए। ये सूचना थाना कैंट से मुझे प्राप्त हुई थी। मैंने तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया। पुलिस अधीक्षक महोदय का तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करने निर्देश प्राप्त हुआ। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और मैं स्वयं थाना कैंट के स्टाफ के सहित और साथ में विशेष कार्यबल टीम मौके में पहुंची और हर स्तर पर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी की गई, जिसमें से 2 व्यक्ति पुरुष जो बालिग हैं, एक जुबेर और दूसरा साहर उर्फ सचिन और तीसरा एक नाबालिग लड़की के साथ इन्हें लूट की घटना को अंजाम दिया था। तो ये घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और अपराध मसूल का जो नकदी था, ये जब्त किया गया और इनको आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जो आरोपी सचिन पूर्व में भी लूट और हत्या के अपराध में रह चुका है, अद्यतन अपराधी है और ऐसे आज न्यायालय पेश किया जा रहा है और अन्य मामलों में भी पूछताछ की जा रही है।